Let us begin. Dear children, start with the concept of electric power. What do we mean by electric power, beta? What do we mean by electric energy? And what is Joule's heating effect and all that? And over here, I would be having some special focus upon the electric fuels also, beta. आइए बेटे कंसंट्रेट करें इलेक्ट्रिक पावर क्या है. सिंपल मैकेनिकल पावर की अगर हम बेटे बात करें, मैकेनिकल पावर इट इज द रेट एट विच मैकेनिकल वर्क इज बेटे डन. व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पावर बेटा, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ doing electric work bete. Over here I mean to say that bete, jab bhi hum electric power ki baat karte hain, electric power, this is equal to electric work done divided by time taken to complete that beta electric work. So beta, dear children, electric power we denote it by PE, electric work done by W, time taken by small t. This is your electric power beta. Furthermore, aap agar beta work done aapka jo hai W, it is considered in joules beta, and time taken, if it is considered in seconds, then the power, it is bit a joule per second, and this is called bit a watt. I mean to say that 1 watt, this is equal to 1 joule per second bit. So this is how you can have 1 watt discussed bit a. Aapka SI system mein watt electric power ka bit a unit hai. इस यूनिट के साथ साथ आप बेटे और यूनिट्स भी यूज किया करते हो. आपके पास 1 किलोवाट है, इट इज इक्वल टू 10^3 वॉट्स. आपके पास 1 मेगावाट है, दिस इज 10^6 वॉट. आपके पास 1 हॉर्स पावर है, दैट इज 746 वॉट्स बेटा. इन यूनिट्स का आपने खास ध्यान रखना है बिकॉज we frequently need these units also beta. ab is concept ke sath hi related hamara beta ek chhota sa concept aa jata hai electric energy ka. electric energy hum kis cheez ko bolte hain, aur electric energy electric power ke sath beta related kaise hai, aaiye work out kare thoda sa iske bare mein bhi. electric energy kya cheez hai, aap isko define kaise karoge, aur ये बेटे आपका इलेक्ट्रिक पावर के साथ किस वे से रिलेटेड है. लेट्स बेटे कंसंट्रेट अपॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी. बेटे आप लोगों ने बच्चों बिल्कुल बिगनिंग में जब हमने अपना 12th स्टैंडर्ड का स्टार्ट किया था डिस्कशन, एक डेफिनेशन किया था आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है that is the work done per unit charge in order to transfer the charge from one point to another point or especially from infinity to that point. aap kisi point pe electric potential nikalna chahte ho, v nikalna chahte ho, aap ek unit charge ko infinity se wahan tak leke aate ho, to aapka this is work done per unit charge aap keh dete ho. agar aap unit charge ki jagah par koi charge q ko ट्रांसफर कर देते हो. सो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो वर्क डन है दिस इज इक्वल टू वी इनटू क्यू आपके पास हो जाएगा. और बच्चों आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट आई जो है दिस इज इक्वल टू बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू अपॉन टी हुआ करता है. और आपका जो क्यू है दैट इज इक्वल टू आई इंटू टी. आप इस क्यू को यहां पे बेटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में. और डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बड़े अच्छे से पता है
कि इलेक्ट्रिक एनर्जी या सिंपली एनर्जी आपकी जो है ये वर्क डन के बराबर होती है, या आप ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू कह सकती हो कि वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब आपकी एनर्जी तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी थी, इस केस में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। आप अगर एनर्जी लॉसेस इग्नोर कर देते हो तो आपका जितना भी टोटल वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द सोर्स बेटा। सो इस वर्क की प्लेस पे आई विल हैव टू राइट इलेक्ट्रिक एनर्जी ई और बी आई एम यूजिंग एज सच इन प्लेस ऑफ दिस क्यू बेटा आई विल राइट आई इनटू टी बेटे। सो आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है दिस इज टर्निंग आउट टू बी वी इनटू आई इनटू टी। आप लोग अभी अभी प्रेजेंटली पावर की बात कर रहे थे, पावर आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क था। आइए थोड़ा इधर भी साथ साथ साइमल्टेनियसली इसको भी वर्कआउट करने की कोशिश करें। एंड प्रेजेंटली आपने वर्क डन जो है ये W को V into Q बोला था divided by T and this is V I T upon T, T आपका cancel out हो जाएगा, electric power आप V into I के बराबर बच्चों लिख सकते हो, use कर सकते हो। अगर आप Ohm's law का use करोगे बेटा, according to Ohm's law आपका V जो है this is equal to I into R बेटे, this is well known relationship to you, you just place V over here, electric power will be equal to I into R and this I as such, electric power is I square into R, this is the second relationship for the electric power। तीसरी बार आप क्या करोगे, आप I निकाल लोगे बेटा, I आपका जो होगा यहां से निकाल लीजिए, I will be equal to V upon R बेटा, और आप इस I की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में, पावर विल बी इक्वल टू V, I इज V upon R, सो आपके पास पावर जो है इट इज इक्वल टू V square upon R, सो इन दिस वे ये आपका पावर जो है V square upon R, तीसरा फॉर्मूला आपको बेटा मिल जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब जब आप इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हो आपके पास एक ये रिलेशनशिप फेमस है, दिस इज द सेकंड वन, एंड डियर चिल्ड्रन दिस इज द थर्ड वन, जैसे जैसे आपको यूज करना होगा आप कर सकते हो। इन रिलेशनशिप्स को बेटे इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंसेप्ट में यूटिलाइज किया जा सकता है। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस आल्सो। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है आपने प्रेजेंटली इसको V into I into T बोला था बेटा, V into I ये आपका प्रोडक्ट जो है दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर, सो इट इज इलेक्ट्रिक पावर into टाइम। आपके पास ये स्टिल एन अदर फॉर्म है इलेक्ट्रिक एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर एंड द टाइम for which you are using that electric power as such बेटे। एक बेटे बड़ा important हमारे पास यहाँ पे units की बात करें, अगर electric energy के units किन units में आप measure कर सकते हो electric energy को बेटा, electric energy को आप इस case में SI system में बेटे जब measure करोगे, और एक हमारे पास specially designed unit है, कमर्शियल यूनिट है, दैट इज बेटे किलो वॉट आर। आप इनको रिलेट भी करोगे इन द एंड कि आपका कमर्शियल यूनिट और जो आपका एसआई सिस्टम में यूनिट है ये सारे कैसे रिलेटेड हैं। सो यूनिट्स में सबसे पहले बेटे मैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स मतलब कमर्शियल यूनिट्स की बात करूंगा बेटा। अगर आपका इलेक्ट्रिक पावर किलो वॉट्स में है एंड टाइम टेकन जो है इट इज इन आवर्स, वी विल से दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इट विल बी इन किलो वॉट आवर्स बेटे। सो वी विल से दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ सम सोर्स इज 1 किलो वॉट आवर बेटा, 1 किलो वॉट आवर
इफ 1 kilowatt पावर इट इज बीइंग यूज्ड फॉर 1 hour बेटी. सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट और रादर यू कैन कैलकुलेट 1 kilowatt आर बेटे. इसमें भी अगर आप अपने सिंपल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज जूल्स की बात करो तो आप इनको यहाँ पे रिलेट भी कर सकती हो बेटा. आपके पास 1 kilowatt आर जो है ये 1000 वॉट्स के बराबर है. दिस इज 1 kilowatt, इसको आप वॉट्स में कन्वर्ट कर लीजिए. 1 hour इट इज बेटे 60 minutes इंटू 60 seconds में आपको मिल जाएगा. सो 1 kilowatt आर जो है ये 1000 इंटू 60 इट विल बी 3600 वॉट सेकेंड. और डियर चिल्ड्रन वॉट सेकेंड आपका जूल होता है. सो 1 kilowatt आर 3.6 इंटू 10 days पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जूल्स के बराबर आप कह सकती हो. सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट द टू बेटे. सो बिफोर आई प्रोसीड विद द फर्दर डिस्कशन इफ anyone फ्रॉम योर साइड इज हैविंग बेटे एनी डाउट यू कैन रिपोर्ट दैट. इश्पुनीत, इश्पुनीत. हाँ जी सर. बेटे कोई डाउट, कोई शक, कोई प्रॉब्लम, कोई बात? नो सर. सारा क्लियर है? हाँ जी सर. अरे ऐसे ही मत कह देना बेटा. एनीथिंग, सब कुछ क्लियर है. ठीक है ठीक है, नाइस बेटे, गुड. सो ये आप बेटी रिलेट कर सकती हो. आपको मैं छोटा सा एक और पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा. आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है बेटे, एक छोटी सी स्ट्रिप बनी होती है बिल के ऊपर, वहां पे उन्होंने लिखा होता है कि आपके मीटर की ओल्ड रीडिंग इतनी है और नई वाली रीडिंग इतनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इतने हैं, एक यूनिट की कीमत इतने रुपए है, अगर आप इतने यूनिट्स कंज्यूम करोगे तो ये रेट लगेगा, अगर इससे ज्यादा कंज्यूम करोगे तो रेट उन पे कुछ और लगेगा. आप अपने घर का बिल खुद कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर सकते हो. आइए आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं. आपका बेटे जो 1 kilowatt आर है इसको आप बेटे कमर्शियल यूनिट बोल देते हैं और इसी को आप 1 unit भी कह देते हो बेटा. और इसका मतलब ये हुआ कि 1 unit क्या चीज है. 1 kilowatt पावर जब 1 hour के लिए कंज्यूम हो गई उसको आपने 1 unit बोल दिया. अब देखिए आपके ओल्ड रीडिंग मीटर की आपके पास है, नई रीडिंग भी आपके पास है, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम निकल आए, मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको मिल गई. एक यूनिट की प्राइस आपको उन्होंने मेंशन की होती है और नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम जो है आप उसको यूनिटरी मेथड लगाकर या अदरवाइज सिंपल वे में कैलकुलेट कर लो. यू विल बी इन ए पोजीशन टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर योर हाउस फॉर द गिवन मंथ और द 2 months बेटा. सो यूनिट्स आपके पास, यूनिट का रेट आपको दिया होता है, सिंपल कैलकुलेशन है और बाकी उन्होंने कुछ उसके ऊपर डिफरेंट चार्जेस भी डाले होते हैं उनको कंसिडर कर लेना. यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दैट बिल, एक करके जरूर देखना बेटा. देन डियर चिल्ड्रन वी कम अप विद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. व्हाट डू वी मीन बाय जूल्स हीटिंग इफेक्ट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. लेट्स वंस अगेन कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? जूल्स हीटिंग इफेक्ट. जब भी हम बेटे किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है इट बिकम्स अ लिटिल बिट हॉट बेटे. और वो जो हीट डेवलप्ड है इट इज इन्वेस्टिगेटेड दैट हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर एंड इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द टाइम टेकन. दैट इज एच इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर इंटू टी. अगर आप इनको कंबाइन कर लोगे आई स्केयर आर इंटू टी आ जाएगा. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपका
इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला ही रिलेशनशिप बन जाया करता है. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वी विल बी सेइंग दैट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज मेड टू पास थ्रू ए कंडक्टर, देन इट इज द कंडक्टर, इट बिकम्स हॉट, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर. दैट हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द स्केयर ऑफ द करंट, डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन आर, डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन टी. कंबाइन दीज फैक्टर्स, एच इज इक्वल टू आई स्केयर इन टू आर इन टू टी. दिस इज योर बेटे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेटा. नाउ बेटे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की एप्लीकेशन क्या है, मैं थोड़ी सी बात बेटे इन टर्म्स में भी करूंगा. सबसे पहले तो बेटे हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको आप इनकैंडिसेंट लैंप भी बोल देते हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन एंड इट हैज गॉट ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3300 केल्विन. जब आप अब आजकल आप वो बल्ब यूज नहीं करते हैं घर पे, जो येलो कलर की होते थे जो सनलाइट जैसी लाइट देते हैं, फिलामेंट उनका टंगस्टन का बना होता है. 3300 केल्विन तक वो अपना मेल्टिंग पॉइंट पोजेस करते हैं. जब आप उनमें से करंट पास करवा देते हो तो उनका टेम्परेचर, ध्यान से नोट करिएगा, 2400 केल्विन तक राइज कर जाता है. इस टेम्परेचर की वजह से वो ग्लो करते हैं बेटा, और वो जो ग्लो है उसको हम एज लाइट यूज किया करते हैं बेटा. सो दिस इज द वे यू कैन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब बेस्ड अपॉन द हीटिंग इफेक्ट. आपके इनकैंडिसेंट बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पोजेस करता होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट ने इसको रेड हॉट कर दिया, और वो हीट को आप एज लाइट यूज कर लेते हैं अपने घर में. सेकंड मेरे पास है बेटे इलेक्ट्रिक आर्क. इलेक्ट्रिक आर्क का क्या मतलब है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, दो कार्बन की बेटे रॉड्स जो हैं, एक कार्बन का रॉड ये है आपके पास, और एक कार्बन का रॉड आपने ये कंसीडर किया. इन दोनों रॉड्स को आपने बेटे हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया. हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ये जो इनके बीच में गैप है, ये गैप में एयर आयोनाइज हो जाती है, और आयोनाइजेशन ऑफ एयर की वजह से यहाँ पे बेटे एक ग्लो लाइट का जो देखने को मिलता है, इस चीज को आप बेटे इलेक्ट्रिक आर्क बोल देते हैं. फ्यू इयर्स बैक इस चीज को आप इस टेक्निक को आप बेटे एज प्रोजेक्टर यूज किया करते थे टू प्रोजेक्ट द फिल्म ऑन द स्क्रीन बेटे इन द सिनेमा हॉल्स. इसके बाद बेटे हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है हीटिंग डिवाइसेस का. सर्दियों में हम यूज करते हैं हीटिंग डिवाइसेस, जैसे आपका बेटा इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इमर्शन रॉड या इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह हो गया. इनमें बेटे नाइक्रोम यूज किया जाता है, अलॉय. नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, आयरन, इन तीनों को कुछ परसेंटेज में ऐड करके नाइक्रोम बनाया जाता है. नाइक्रोम की खास बात क्या है, इसकी हाई रेजिस्टिविटी है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एंड इट कैन विदस्टैंड लार्ज वियर एंड टीयर बेटा. मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका बहुत होता है, रिपीटेडली गर्म होता है, फिर ठंडा होता है, फिर गर्म होता है, फिर ठंडा होता है, कुछ नहीं होता इसको बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिकल स्ट्रेंथ बेटे. सो जब भी आप अपने नाइक्रोम क्वाइल में से, हीटर क्वाइल में से करंट पास करवाओगे बेटा, तो इट विल बिकम रेड हॉट, और वो हीट एनर्जी जो है H इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर इंटू टी के अकॉर्डिंगली, हम उस हीट एनर्जी को फॉर कुकिंग फूड और फॉर जैसे आप अपना हीटिंग डिवाइसेस में वाटर को हीट करने के लिए या रूम हीटर में
एयर को हीट करने के लिए यूज कर लेते हो। डियर स्टूडेंट्स, सबसे जरूरी एप्लीकेशन आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज की टर्म्स में है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या चीज है बेटे, आइए इसको डिस्कस करें। फ्यूज वायर या इलेक्ट्रिक फ्यूज बेटा, व्हाट डू वी मीन बाय दिस इलेक्ट्रिक फ्यूज बेटे? बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारे हाउस होल्ड सर्किट का बेटा। इट इज रादर कॉल्ड सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस बेटा। अगर आपका ओवरलोडिंग हो जाए, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग या इवन अर्थिंग के केस में भी आपका जो फ्यूज वायर है इट बिटे मेल्ट्स अवे और आपका जो सर्किट है इट रिमेन्स बेटा सेफ। आइए जरा बात करके देखें ये ऐसा क्यों होता है सारा। फ्यूज वायर जो है ये बेटे आपका टिन लेड अलॉय 63% and 37% रेशो में मिक्स करके बना होता है। फ्यूज वायर टिन एंड लेड अलॉय इनसे बना है और इस केस में इसका लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ करता है। जब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा पास करवा दोगे तो हीट प्रोड्यूस्ड की वजह से ये मेल्ट कर जाएगा और आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेफ रहेंगे और किसी भी तरीके का नुकसान हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक फ्यूज वायर है बेटा ये वाला। लेट लेंथ ऑफ दिस फ्यूज वायर जो है इट इज एल और रेडियस ऑफ द फ्यूज वायर जो है लेट इट बी स्मॉल आर। लेंथ आपके पास बेटे फ्यूज वायर का एल के बराबर है, रेडियस आर है। जिस भी मटेरियल का ये बना हुआ है उसकी जो रेजिस्टिविटी है लेट इट बी रो बेटा, और आपने इसमें से मान लीजिए करंट जो पास करवाया है दिस इज बेटा इक्वल टू आई। मैं सारे पैरामीटर्स एक बार रिपीट कर रहा हूं। आपके पास आपका फ्यूज वायर है, एल इसकी लेंथ है, आर इसका रेडियस है, रो रेजिस्टिविटी है, आई इसमें से करंट पास करवा दिया, तो इलेक्ट्रिक पावर आपके फ्यूज वायर के साथ रिलेटेड जो है इट विल बी आई स्केयर इनटू आर बेटा। आई आपके ऑलरेडी पास नोन है फैक्टर, ये आर को आप रो इनटू एल अपॉन ए लिखा करते हो बेटा। ए को मैं थोड़ा सा बेटे रेडियस की टर्म्स में अगर लिखूं, आई मस्ट बी हैविंग दैट माई पावर इट इज इक्वल टू आई स्केयर रो एल अपॉन पाई आर स्केयर। ये इलेक्ट्रिक पावर है आपके फ्यूज वायर में से जितनी हैंडल कर रहा है आपका फ्यूज वायर। अब बेटे फर्दर मोर इमेजिन कर लीजिए कि आपका जो कैपिटल क्यू है लेट इट बी द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड बाय द फ्यूज वायर। फ्यूज वायर आपका सिलेंड्रिकल शेप का है, जब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाओगे तो ये थोड़ा हीट अप हो जाता है। इसके वन यूनिट सरफेस एरिया ने एक सेकंड में कितनी हीट एमिट की उसको हमने क्यू बोला है बेटा। क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्यूज वायर। अगर मैं बात करूं बेटे टोटल हीट रेडिएटेड कितना है आपके फ्यूज वायर ने, टोटल हीट कितना रेडिएट किया है रेडिएटेड पर सेकंड, इट विल बी इक्वल टू क्यू इनटू सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्यूज वायर बेटे, एंड सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर इनटू एल।
हीट रेडिएटेड पर सेकंड आपका इलेक्ट्रिक पावर को ही आप बोलते हो ना बेटे, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड कह लो, हीट रेडिएटेड पर सेकंड कह लो, और ये दोनों चीजें आपको बेटे आपके इलेक्ट्रिक पावर के साथ रिलेट करके बताती हैं। तो एक आपके पास ये रिलेशनशिप हो गया, सेकेंडली आपके पास ये भी है, आप इन दोनों रिलेशनशिप्स को कंपेयर कर लीजिए, आई स्केयर रो एल अपॉन पाई आर स्केयर, दिस इज इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू टू पाई आर एंड एल बेटा, लेंथ आपका दोनों तरफ कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और आइए देखें, आई का स्केयर जो है दिस इज इक्वल टू क्यू, ऐसे ही रह गया, दिस इज पाई टू पाई आर स्केयर सिंगल आर, इट विल बी टू पाई स्केयर आर का क्यूब हो गया, एंड रो इधर यहाँ पे था, एंड इट विल बी नाउ इन द डिनोमिनेटर। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। अब आप क्या कहोगे कि आपका जो फ्यूज वायर है इसकी लेंथ तो आप बदल नहीं सकते, जब आपने फ्यूज वायर सर्किट में लगाया हुआ है तो लेंथ को आप उस टाइम पे नहीं बदल सकते हैं, जितनी लेंथ है फ्यूज वायर की वो तो उतनी रहेगी। साथ ही साथ आप अपने फ्यूज वायर का ये जरूर है कि अगर आप फ्यूज वायर को रिप्लेस करो तो आप उसको रेडियस को थोड़ा बदल दो, कम कर दो या ज्यादा कर दो, वायर की थिकनेस और थिननेस की टर्म्स में। टू आपका कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, रो कॉन्स्टेंट है, क्यू नेचर पे डिपेंड करता है कि आपके मटीरियल का नेचर कैसा है। आई जस्ट मीन टू से दैट बेटा आपका जो स्केयर ऑफ करंट है दिस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द फ्यूज वायर बेटा। और क्यों बेटे प्रोपोर्शनल है, वाई बिकॉज क्यू कॉन्स्टेंट है, टू कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, एंड रो भी कॉन्स्टेंट है, सो आई स्केयर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आपको मिल गया, आई इज प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू पावर थ्री बाई टू। तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्यूज वायर अलाउ करेगा पास करने को वो रेडियस की पावर 1.5 पे डिपेंडेंट है। मतलब क्या हुआ कि अगर रेडियस आपके फ्यूज वायर का ज्यादा होगा, थिक वायर लोगे वो ज्यादा करंट को हैंडल कर पाएगा, अगर आप थिन लोगे वो कम करंट को हैंडल कर पाएगा। आप लोगों ने अलग अलग करंट रेटिंग के फ्यूज वायर्स देखे हैं, आप घर में जो सिंपल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज करते हो उसकी बेटे 5 एम्पियर की करंट की रेटिंग होती है, और अगर आप थोड़ा सा हैवी अप्लायंसेस की बात करो तो वो 15 एम्पियर तक करंट रेटिंग हो सकती है। एंड बेटे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की बात करो, बड़ी हैवी मशीनरी जो है वहां पे 25 एम्पियर जो आपकी करंट की रेटिंग है वो रिक्वायर्ड होती है। सो ये तभी पॉसिबल है आप अकॉर्डिंगली अगर फ्यूज वायर की थिकनेस को इम्प्रूव करोगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हमने बोला था, टिन लेड अलॉय है ये, अगर आप 63% और 37% में, अगेन स्पेशली इस पॉइंट पे आ रहा हूँ बिकॉज अदरवाइज अगर रेशो में गड़बड़ हो जाएगा तो फ्यूज वायर आपका प्रॉपरली काम नहीं करेगा। टिन एंड लेड ये बेटे आपका 63% और 37% रेशो में फ्यूज वायर आपको बना के देता है। और याद रखिएगा अगर ये 50% और ये भी 50% हो जाएगा तो ये आपका सोल्डरिंग वायर बन जाता है, फिर सोल्डरिंग वायर। सो ये खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको, फ्यूज वायर आपके घर में लगाया जाने वाला सेफ्टी डिवाइस है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, अगर जरा सा भी आपके सर्किट में ओवरहीटिंग डेवलप होगा ये वायर मेल्ट कर जाएगा, और ये करंट की और रेडियस की रिलेशनशिप है, कैसे रिलेटेड है दोनों। एंड फर्दर मोर ये अलग अलग करंट रेटिंग में आता है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बेटा आपका इनका रेशो जो है ये वाला फिक्स्ड है, और अदरवाइज अगर आप रेशो को चेंज कर दोगे तो बेटे आपका जो ये फ्यूज वायर है ये अपना वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा, इसमें जो डेफिनेटली बेटा
इसकी फंक्शनिंग जो है दैट विल गेट डिस्टर्ब बेटा. सो डियर स्टूडेंट्स बेटा, बिफोर आई लीव और कम टूवर्ड्स द एंड, सो बेटे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट पूछने वाला, तो आप बता सकती हो बेटा. मैं रिपीट कर देता हूँ. अविश, ध्रुव, मान्या, अविश, ध्रुव, मान्या, सिया, वंशी. बेटे सारा क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को पुत्र? जी सर. बेटे इस चैप्टर को आप एक बार थॉरोली पढ़ लीजिएगा और रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एक बार देख लीजिएगा जितना भी आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी होगी बेटा. एंड कुछ आपको प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड बेटे काम मैंने देना था हॉलीडेज में, ताकि आप अपना प्रोजेक्ट का काम साथ साथ ही कंप्लीट कर लो, एंड में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े. दैट आई विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप एज सच बेटा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल बेटा. एंजॉय योर हॉलीडेज बेटा. बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल. सो थैंक यू ऑल बेटे.